नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं विवियन मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 रह चुकी हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही सम्मानित लड़की हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत तरीके से जलील किया जा रहा है क्योंकि मेरी शादी अभी 2021 में मई 26 को हुई है कोल्डम निवासी नीरज पासवान से, और मेरी पहले शादी 2014 में टूट चुकी थी, लड़ाई बहुत हुआ था, मेरी बेबी है। तो इनका कहना है कि इनको पता नहीं था कि मेरी बच्ची है। ये है बच्ची साथ में शादी से पहले की, ये है साथ में बच्ची शादी के टाइम की। तो मेरा कहना है, यहाँ बात डॉरी की चल रही है, अभी बात यहाँ पे पास्ट मेरे पास्ट को लेके किया जा रहा है। तब कहाँ थे ये लोग जब शादी से पहले जब बातें होती थी वीडियो कॉल पे, बच्ची से सब कुछ होता था, चैट होता था, हर कुछ उसको पता है लड़के को A to Z मेरे बारे में। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था मुझे जलील करने के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई जा रही हूँ। मेरे मानहानि को ठेस पहुँचाने के लिए इन लोगों ने अभी ऐसा किया, क्योंकि अभी तुरंत पोस्ट हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप अभी देख सकते हो GK है, जनरल नॉलेज झारखंड का, अभी 2021 का है, उसमें आप मेरा नाम देख सकते हो। अगर मैं चर्चित हूँ तभी मेरा नाम यहाँ पे है, अगर मैं कुछ हूँ, मैं मॉडल हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ। अगर मेरे साथ क्या हुआ है पास्ट में वो आपको पता है, तभी आप मेरे साथ शादी किए हो, मेरे साथ रहे हो। अभी यहाँ बात ये चल रहा है कि मेरे फादर को फोन करके 5 लाख और एक गाड़ी मांगा गया है कार, जिसके लिए मैं खिलाफ हुई। उसके बाद मेरे साथ 16 मई को मेरे साथ मारपीट किया गया। उसके बाद मैं कतरास थाना में जाके FIR दर्ज की हूँ, और 18 तारीख से मैं PMCH में एडमिट थी, और एडमिट होने के बाद ये सारा पेपर है एडमिट का, मैं वहाँ पे एडमिट थी। इन लोगों ने कोई भी जानकारी नहीं ली मेरी और ना ही कुछ किया मेरे लिए। उनके परिवार ने कल एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराया पत्रकारों को, जिसमें आपके पिताजी से बात हुई है और बता देंगे। तो अगर मैंने 10 लाख मांगा है, ठीक है, 10 लाख मैंने मांगा है, तो उसका तो प्रूफ होगा, जैसे मेरे पास है कि हाँ कि वो दहेज मांग रहा है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। मेरी बड़ी वाली सिस्टर को फोन करके बोला गया कि हमें को दहेज चाहिए, मेरे फादर को उससे पहले फोन करके बोला गया है, और ये रहा प्रूफ मेरे पास। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रूफ है जो मेरे पास है कि मुझे चाहिए 10 लाख या फिर उन लोगों को चाहिए। अगर लड़का कुछ करता, उसके पास प्रॉपर्टी होता, कुछ होता, नौकरी होता, तब मैं लालच में आती, जबकि लड़के के पास तो कुछ है नहीं। रांची पर्यातु थाना में भी पर्यटकों पर आप केस किए हैं, वो सब मेरे पास है, वो किसी भी लड़की का हक होता है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, सबसे पहला चीज मेरा पास्ट क्या है, लड़का कितना सारा लड़की लेके आता है वहाँ पे बाइक वाले रूम पे, तो वो भी मेरे पास प्रूफ है, तो मैं वो भी प्रूफ करूँ। अगर पास्ट चल रहा है यहाँ पे, डाउरी का एक्ट चल रहा है, तो डाउरी एक्ट पे बात क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? ये और वो पहले पास्ट क्या था वो क्यों बात हो रहा है यहाँ पे? बुलाया क्यों जा रहा है प्रेस वालों को? जब तक अगर के टाइप से होता है, उसके बाद लड़कियां अगर एकदम मतलब सेंसलेस होती है, उसके बाद ये जो रिकॉर्ड होता है और ये लोग रिकॉर्ड करके जो फिल्म चलाते हैं, इस बीच में ये राज कुंद्रा का मामला सामने आया था मेरे केस के बाद। एक मिनट, आपने बताया उन लोगों का कहना है कि आप पोर्न एक्टर हैं, वो वीडियो भी अवेलेबल कराए हैं, तो वो आप मानते हैं कि वो वीडियो आपका है? बिल्कुल, वीडियो के लिए वीडियो आपका है। हाँ, वीडियो। आपका ये कहना है कि वो नशा खिला करके मेरे साथ में इस तरह के वीडियो बनाए हैं। दूसरा ये कि अगर जब आपको होश आया या जब आपको ये वीडियो के बारे में नॉलेज आया, तो क्या आपने कभी कंप्लेन किया? बिल्कुल, किस किया? जैसे मुझे पता चला कि ये सब वायरल कर रहे हैं कोई लोग, मैं हूँ इसमें मेरा फेस है, तो मेरा फेस वैल्यू बहुत है झारखंड बिहार में, तो मैं तुरंत मुंबई जाके मैंने केस किया, उसका FIR कॉपी मेरे पास है। ये है दिसंबर में, ये जनवरी में हुई थी, हाँ, और फरवरी में इससे मिले, और सब कुछ मेरे हस्बैंड को भी पता है ये बात, वो खुद सपोर्ट कर रहा था मेरे को कि हम लोग मुंबई जाएंगे और हम लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज को, हम लोग लड़ेंगे, ये करके वो शादी किया मेरे से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पॉर्न एक्टर, अगर मैं पॉर्न एक्टर होती तो यहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बैठती मैं। आपकी उम्र कितना है? अभी मेरी उम्र 30 है। 30 है, बिल्कुल। 30 साल में कितनी शादियां हुई आपको, कितने डाइवोर्स? सेकंड मैरिज। ये सेकंड, बिल्कुल। वो लोगों का कहना है कि कई शादियां कर चुकी है, कई लोगों से ब्लैकमेलिंग की है, ठीक है, कई लोगों को ब्लैकमेलिंग की है, कई लोगों को इस तरह से शादी करके झांसा दे करके इस तरह की है। अच्छा। उस आरोप में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस आरोप में कहना चाहूंगी, शादी से पहले अगर मैं डाइवोर्स के बाद में किसी के साथ रिलेशन में रही, कोई भी रह सकता है, मैं डाइवोर्स के बाद स्वतंत्र थी, मैं किसी के साथ भी रह सकती हूँ, मेरे साथ गलत किया, मैं केस करूँ? अगर सर मैं शादी करूंगी, जब तक डाइवोर्स नहीं लूंगी मैं दूसरा शादी नहीं कर सकती, ये बात आप जानते हो, कोई प्रूफ करेगा ना सेकेंड मैरिज वाला, ठीक है?
अगर मैं सेकंड मैरिज, अगर इसको लगता है मैं फोर्थ मैरिज इससे की हूँ, तो अगर मेरा उससे पहले 4 डाइवोर्स हुआ होगा, डाइवोर्स पेपर तो आपके पास होगा, सीधी सी बात है। अगर आप डाइवोर्स लेते हो उसके बाद ही आप शादी कर सकते हो। डाइवोर्स से पहले न लड़का शादी कर सकता है न लड़की शादी कर सकती है। सबसे पहली चीज, ये मेरा सेकंड मैरिज है और इसको भी ये बात पता है, इसको ए टू जेड बात पता होने के बाद ही ये लड़का सब कुछ रांची में भी जाके रहा है। अब आप जो कल आरोप लगा है उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आगे क्या स्टेटमेंट? आगे मेरा स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास सारे प्रूफ है, मुंबई पुलिस मेरे साथ में है, साइबर क्राइम में मैं केस करूंगी और मेरे मानहानि को केस अभी तो ये लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, तो मैं अभी इंडिया रिप्रेजेंट करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पेपर दिखाया, मैं दुबई जा रही हूँ। तो क्या है ये सब, मतलब मैं इसमें लगे रहूं कि हाँ मुझे ये लोग बदनाम कर रहे हैं तो मैं बदनामी से डर जाऊं और मैं पीछे हट जाऊं, तो मैं अपने कैरियर चौपट नहीं करूंगी, स्पॉइल तो करने नहीं दूंगी चाहे कोई भी आएगा, और इसके लिए लड़ूंगी मैं मानहानि केस करूंगी। थैंक यू।